If triangle FGH is isosceles with FG less than 3 and GH is equal to 8 cm, then of the following the true relation is, देखिए हमें दिया है ट्राइंगल एफ जी एच एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मैंने वैसे ही एक ट्राइंगल बना लिया एफ जी एच, हमें बोला है एफ जी जो है वो लेस देन 3 है, ये एफ जी है, मैंने कहा मान लो ये दो साइड इक्वल साइड्स है, जी एच कितना है 8, अब जी एच अगर 8 है ये जो है लेस देन 3, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या हुआ लेस देन 3, ये लेस देन 3 ये लेस देन 3, तो इन दोनों का सम कितना आया 6, 3 प्लस 3 ये 6 और ये है 8, मतलब इन दो साइड का सम, इन दो साइड का सम इससे छोटा है तो ये तो नॉट पॉसिबल है, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, तो क्या होगा फिर जिस तरीके से मैंने ट्रायंगल बनाया मैंने गलत बनाया, तो क्या होगा ये हो गया जी एच, ठीक है, और यहां ले लेते हैं ये हो गया जी, ये हो गया एफ, ये हो गया एच, इस तरीके से बात बन जाएगी। अब देखिए एफ जी इज लेस देन 3 पॉसिबल है और जी एच कितना है 8, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दो साइड बराबर होगी 8 8। देखो अब यहां पर क्या करो, आप कोई भी दो साइड लो एफ जी प्लस एफ जी प्लस जी एच इज ग्रेटर देन एच एफ, यहाँ पर क्या है दो साइड का सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, 8 प्लस 3 इज ग्रेटर देन 8, तो ये दिस इज पॉसिबल, ठीक है, दिस इज पॉसिबल, दिस इज करेक्ट। अब इसके हिसाब से हम देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, पहली ऑप्शन है जी एच इज इक्वल टू एफ एच, जी एच इज इक्वल टू एफ एच, ये ठीक है तो यही आंसर होगी, ठीक है। आगे देख लो जी एफ इज इक्वल टू जी एच, क्या जी एफ और जी एच बराबर है, नहीं, ये 3 से कम है, ये 8 है, ये गलत है। एफ एच ग्रेटर देन जी एच, एफ एच जी एच से बड़ी है, नहीं, दोनों बराबर हैं। जी एच लेस देन जी एफ, जी एच इज एक्चुअली ग्रेटर देन जी एफ, तो सिर्फ ऑप्शन 1 ही ट्रू है, फ्रॉम दिस ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, फ्रॉम दिस ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। हमने ध्यान रखना है कि ट्रायंगल की दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है हमेशा।